भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद गौस का शुक्रवार को निधन हो गया। गौस 53 वर्ष के थे और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। गरीब परिवार में आने वाले गौस ने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने पेट काट कर सिराज को क्रिकेटर बना दिया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से खेलने वाला ये तेज गेंदबाज अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू कर सकता है, लेकिन पिता ये नहीं देख पाएंगे। दरअसल कोरोना वायरस के कारण क्वारंटाइन नियमों को देखते हुए सिराज अभी भारत वापस नहीं लौट सकते। वो टीम इंडिया के साथ बायो बबल में है। इससे पहले आईपीएल 2020 के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज मनदीप सिंह के पिता का निधन हो गया था। वो भी नियमों को देखते हुए भारत वापस नहीं लौट सके थे। मोहम्मद गौस ने सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे सिराज की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया। उन्होंने ऑटो चलाकर घर संभाला। सिराज ने पिता के निधन के बाद एक भावुक संदेश दिया। दरअसल सिराज ने कहा, ये चौंकाने वाला है, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। मुझे देश के लिए खेलते हुए देख रहा हूँ का सपना था और मुझे खुशी है कि मैं उनके सपने को पूरा कर सका और उन्हें खुशी दे पाया। सिराज के पिता की कमाई ज़्यादा नहीं थी, इसके बावजूद बेटे के सपनों के बीच पैसों को नहीं आने दिया। उन्होंने हैदराबाद की सड़कों पर लगातार ऑटो चलाया और बेटे को छोटी गलियों से निकाल कर बड़े स्टेडियम में पहुँचा दिया। वहीं सिराज की टीम आरसीबी ने ट्वीट कर कहा, हमारे दिल की दुआएं और संवेदनाएं पिता के खोने पर मोहम्मद सिराज और उनके परिवार के लिए हैं। इस कठिन समय में पूरा आरसीबी परिवार आपके साथ है, मजबूत रहें मियां। सिराज ने भारत के लिए एक वनडे और 3 T20 में हिस्सा लिया है। उन्होंने T20 में 3 विकेट लिए हैं। भारत के लिए पहला मैच 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। उन्होंने आईपीएल में भी 35 मैचों में 39 विकेट लिए हैं। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।